नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। सिद्धार्थनगर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा। कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर कोरोना महामारी में अमीर गरीब मजदूरों के प्रति केंद्र और प्रदेश सरकार की उदासीन रवैये का विरोध किया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह के रिहा किए जाने पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। जिले के डुमरियागंज में अपने साथियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपवास पर बैठे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेडिकल सेवा के कन्वीनर डॉक्टर बख्तियार उस्मानी ने कहा कि यह मौन व्रत कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार किया गया है। देखिए, सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वतंत्र संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार श्रमिकों की मदद करने वाले लोगों पे दमन कर रही है, दमनकारी रवैया अख्तियार कर रही है, खुद तो श्रमिकों के को अनदेखी कर रही है। लोग बाहर फंसे हुए हैं, रास्ते में लोग मर रहे हैं, उनको पूछ नहीं रही है, उनको घरों तक लाने का इंतज़ाम नहीं कर रही है। और जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बसों को लगाया गया कि उसमें श्रमिकों को घर तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक रास्ते में मर गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको परमिशन नहीं दिया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने जब इसको आवाज़ को उठाया, श्रमिकों के पास पहुँचे, तो फर्जी केस लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है। राजनीतिक द्वेष से काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, और इसी के खिलाफ आज एक दिन का उपवास रखा गया है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी अजय कुमार लल्लू जी पे लगाए हुए केस को वापस करें, क्योंकि वो श्रमिकों की मदद कर रहे थे, हिंदुस्तान को मदद कर रहे थे, उन श्रमिकों की मदद कर रहे थे जिन्होंने हिंदुस्तान को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए उनके सारे केस वापस किए जाएं और तुरंत उनको रिहा किया जाए। इसी को लेकर आज एक दिन का उपवास भी है और इसी के लिए हम लोग पूरे दिन यहाँ पे बैठे हैं। सर, जिस तरह से प्रवासी मजदूर रास्ते में मर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेल्योर है। ये गरीबों के लिए साथ में खड़े होना चाहते नहीं हैं और ना ही ये सरकार कभी गरीबों के साथ खड़ी हुई है। अगर इनको कर्ज भी माफ़ करना होता है तो अपने उन चंद दोस्तों का करते हैं जो कारपोरेट घरानों के होते हैं, जो डिफाल्टर्स हैं, जो देश छोड़ के भाग चुके हैं। हमेशा इन्होंने उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया है। और जब देश एक महामारी में संकट की घड़ी से गुजर रहा था, हमारे मजदूर भाई जो डेली कमाने खाने वाले थे, रास्ते में फंस गए, उनके खाने का इंतज़ाम नहीं था, ऐसे में उनके साथ खड़े होना था। कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया था कि 7,500 रुपया महीना कम से कम मजदूरों को दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दिखावा देखिए, या ये विडंबना कहिए कि 20 लाख करोड़ का घोषणा करते हैं और मजदूरों को 500 रुपये देने की बात करते हैं। और जब मजदूर ट्रेन से किसी भी तरह से आने की बात करते हैं तो उनसे 600 रुपये 700 रुपये किराया वसूला जाता है। तो ये किस लिए 20,000 करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका भी जवाब देश की जनता उनसे चाहती है। कि जो ट्रेन लगी हुई है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेन चल नहीं रही है, प्रवासियों को लाने के लिए जो ट्रेन लगी हुई है, वो इनकी सरकार की नाकामी और लापरवाही देखिए कि गोरखपुर आना होता है तो उड़ीसा पहुंच जाती है, और जहां 2 दिन का रास्ता वहां 9 दिन लगता है। खाने पीने का इंतज़ाम नहीं करते हैं। 7 लोग ट्रेन में सिर्फ इसलिए मर गए कि उनको खाना नहीं पहुँच सका। तो ये तो सरकार की विडंबना है, ये सरकार की अनदेखी है, और ये जुल्म जो लोगों पे कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेके एक दिन का ये अनशन है, एक दिन के लिए उपवास पे सारे कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं। और ये जल्दी से जल्दी उनको रिहा करें और मजदूरों की सुध लें, मजदूरों को घर पहुँचाएँ, और 7,500 से 10,000 रुपये प्रति माह उन श्रमिकों को जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके खाते में जल्दी से जल्दी सरकार ट्रांसफ़र करे, यही हमारी डिमांड है। और इसी को लेकर हम लोग उपवास कर रहे हैं कि सुध लें, मजदूरों को घर पहुँचाएँ, और 7,500 से 10,000 रुपये प्रति माह उन श्रमिकों को जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके खाते में जल्दी से जल्दी सरकार ट्रांसफ़र करे, यही हमारी डिमांड है। और इसी को लेकर हम लोग उपवास कर रहे हैं।